राधे कृष्ण दोस्तों, एक बार श्री देवश्री नारद जी जब भगवान के समीप गए तब भगवान ने विरोध में कहा कि जो भी कोई गृहस्थ मेरा भजन करता है मैं उससे बहुत अधिक प्रसन्न होता हूँ। तब जवाब में नारद जी ने कहा, प्रभु गृहस्थों से आप इतना क्यों प्रसन्न होते हो? तब प्रभु ने कहा, एक काम करोगे नारद जी, हमारे इस वैकुंठ की एक परिक्रमा लगा के आइए। और एक कलश पूर्ण द्रव्य से भर दिया और बोले, परिक्रमा करते वक्त इस कलश में से एक भी बूंद नीचे गिरना नहीं चाहिए। तब नारद जी बोले, बिल्कुल जैसी आज्ञा प्रभु। तब प्रभु बोले, ऐसे आसानी से थोड़ी, बल्कि तुम्हारे पीछे सुदर्शन चक्र परिक्रमा करते वक्त लगा रहेगा और यदि कलश से एक भी बूंद छलका तो सुदर्शन चक्र आपको दंड देगा, आपको दंडित करेगा। अब तो नारद जी के होश ही उड़ गए। अब वो पूर्ण नयन एकाग्र करके कलश को संभालते संभालते परिक्रमा पूर्ण की। तब प्रभु के पास जाके बोले, प्रभु कलश से बिना एक भी बूंद गिरे मैंने परिक्रमा पूर्ण की। तब प्रभु ने बोला, कितनी बार मुझे याद किया। फिर नारद जी बोले, प्रभु पूर्ण परिक्रमा करते वक्त आपको ही याद कर रहा था ताकि ये भयंकर सुदर्शन चक्र हमारी गर्दन ना उड़ा दे। तब प्रभु ने उत्तर में कहा, हे नारद, ठीक इसी प्रकार गृहस्थों के पीछे हजार झंझटे, संघर्ष, पीड़ा, दुख होती है। बेटी की शादी, बेटे का शिक्षण, अस्पताल की किरकिरी, माँ बाप की सेवा, ये खर्चा वो खर्चा, बैंक का लोन, ये परेशानी वो परेशानी, इतने बातों के बाद भी गृहस्थ मेरा भजन करता है, इसलिए मैं उसे सर्वाधिक प्रेम, लाड़, दुलार, प्यार करता हूँ। तो हमारी एकाग्रता सब जगह पूर्ण करते हुए हो तब वो जाके उत्तम भक्ति और उच्च कोटि का भक्त बनता है। लेकिन हम ऐसा माने कि हम इंद्रियों से विषयों को भोगते रहे और अंत में भगवत प्राप्ति चाहिए तो ये असंभव है। भोगेश्वरस शिशक ताना तया भरत चेत सह व्यवसायित्मिकम बुद्धि समाधोम अधीयते। अर्थात जिसका चित्त भोगों में लगा हुआ है वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। इस तरह इंद्रियों के विचार वाला कभी शुभ गति को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए सांसारिक बातों को स्वीकार करते हुए भजन करने वाला निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कर लेता है। लेकिन केवल इंद्रियों का पोषण करते हुए वो भगवत प्राप्ति करना चाहे तो वो असंभव है। जैसे यदि आप गृहस्थ धर्म में हो तो एक पत्नी व्रत, संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ धर्मों को स्वीकार करते हुए, ठाकुर सेवा करते हुए, गृहस्थी के व्यापार, नौकरी आदि करते हुए, साधु संत वैष्णव सेवा करते हुए यदि आप भगवत स्मरण करते हो तो आपकी भगवत प्राप्ति निश्चित हो सकती है। परंतु यदि आप गृहस्थ हो और अपनी पत्नी होते हुए दुराचार करते हो, विविध प्रकार के धन प्राप्ति के लिए पापाचरण करते हो तो दुर्गति पक्की है, इसी कारण वो भजन भी नहीं कर सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन कौन ते भावना ताव। अर्थात दुष्ट काम करते हुए भजन हो ही नहीं सकता, इसलिए गृहस्थ रह के भजन आदि करते रहे तो प्रभु इसी से प्रसन्न होते हैं और कृपा हेतु भगवत प्राप्ति प्रदान करते हैं। इसलिए इसी मार्ग पे चलना हमारा एकमात्र धर्म है और एकमात्र प्रभु की इच्छा भी यही है, फिर इसी से भगवत प्राप्ति होनी है। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।